हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कबली चना की रेसिपी। इस तरह से आप कबली चना बना के तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो मैंने कबली चना को भिगो के रख दिए थे और ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे 2 से 3 पानी धोकर साफ कर लेंगे और इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद चना के ऊपर तक पानी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे। इसके बाद सारे खड़े गरम मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने एक तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 1 बड़े इलायची, 2 छोटे इलायची। अब इसे कवर करेंगे और इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे। 4 से 5 सीटी आ गए हैं। अब कुकर का ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं जो चना है अच्छे से उबल चुके हैं, तो आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं। और इस तरह से हमें इसे उबाल लेना है। इसके बाद एक मैंने प्याज को इस तरह से बारीक कट कर लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्च और 1 गांठ लहसुन लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं। सारे चीज़ को पीस कर हम पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों तेल और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा चटक जाएगा तो बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिए हैं। अब इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च के पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल लेंगे। सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो टमाटर का पेस्ट बनाए थे उसे डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है। फिर भी इसे 1 से 2 मिनट खुले में भुनेंगे। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें उबला हुआ चना ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और बारीक कटा 1.5 धनिया पत्ता ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे तो छोला बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे तरीके से आप बना कर देखिएगा। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।